नमस्कार दोस्तों, ये न्यूज़ मेरे पास 23 दिसंबर 2018 की सुबह में ही आ गई थी, लेकिन उस समय मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी, तो इसलिए मैं शाम को ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। सरकार का नया आदेश आया है, AICTE का नया आदेश आया है, जो कि इग्नू स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है और इससे इग्नू स्टूडेंट्स को काफ़ी फायदा होगा। तो मैं सीधा उस न्यूज़ पर चलता हूँ और फिर वहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। कि दोस्तों, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप खुद भी ये पढ़ सकते हैं। AICTE passes BTech degree given by इग्नू। तो अब तक जो कहा जा रहा था, और AICTE ने अभी तक जो रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी थी इग्नू की डिग्रीज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, वो अब दे दी गई है, जो कि इग्नू के अब प्रोफेशनल कोर्सेज जो होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी तक BTech डिग्री के जो इग्नू स्टूडेंट्स थे उनको बाहर जॉब्स में काफ़ी परेशानी हो रही थी, और साथ में जो प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, BCA है, MCA है, और भी ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे आपको बाहर जॉब मिल सकती है, तो उन कोर्सेज में भी काफ़ी आनाकानी की जा रही थी कि AICTE से मान्यता प्राप्त नहीं है और ये काफ़ी सारी बातें कही जा रही थी। तो अब AICTE ने खुद भी आदेश जारी कर दिया है और अब AICTE के आदेश से इग्नू के सभी कोर्सेज जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज वो मान्यता प्राप्त हो गए हैं। BTech के स्टूडेंट्स की भी अब डिग्री को मान्यता प्राप्त माना जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ इग्नू स्टूडेंट्स के लिए किया गया है, इग्नू यूनिवर्सिटी के लिए किया गया है, बाकी जो ओपन यूनिवर्सिटीज थी या डिस्टेंस बोर्ड पे करवाती थी उन्हें ये मान्यता नहीं दी गई है, ठीक। आप पढ़ सकते हैं, द AICTE ऑनर्स द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हैज नो ऑब्जेक्शन फॉर BTech डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय इग्नू टू द स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड अप टू द एकेडमिक ईयर 2009-10 टू बी ट्रीटेड एज वैलिड एज अ स्पेशल केस एंड इट कुड नॉट बी टेकन एज प्रेसिडेंट, ठीक। तो ये आप खबर खुद भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी खबर है, इससे BCA MCA स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी हैं उनको यह फायदा होगा, क्योंकि पहले BTech की जिस तरह से मना कर दिया था, तो इसलिए BCA MCA के स्टूडेंट को भी काफ़ी जगहों पर प्राइवेट खासकर जॉब्स में थोड़ी मुश्किल आ रही थी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।